जीडीपी यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं सोशल फैक्ट। आज हम जानेंगे कि जीडीपी होती क्या है, जीडीपी का मतलब क्या होता है और जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी आखिर होता क्या है। किसी भी देश के जीडीपी से उस देश के आर्थिक सेहत का पता चलता है, इसीलिए इसे विकास दर भी कहा जाता है। जीडीपी का मतलब है कि किसी भी देश के भीतर एक साल में तैयार किया गया सामान और सेवाएं, जिसमें वे सभी सामान और सेवाएं शामिल है जिसका प्रयोग करने के लिए हम पैसा देते हैं। कितनी कारें बनाई गई, कितना अनाज पैदा हुआ, किसी भी सैलून में कितना हेयर कट लिए गए और ऑटो वाले ने कितनी सवारी ली, इन सब का योगदान जीडीपी में होता है। जीडीपी मुख्य रूप से तीन चीजों पर निर्भर करती है, कृषि यानी एग्रीकल्चर, उद्योग यानी इंडस्ट्री, सेवा यानी सर्विस। इन तीनों ही क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी की गणना की जाती है। जीडीपी में सिर्फ घरेलू यानी डोमेस्टिक सामानों को ही गिना जाता है, मतलब कि जो सामान हमारे देश में तैयार किया जाता है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हम अपने देश की जीडीपी में जोड़ते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी सामान हमारे देश में बनता है और वो जाके किसी दूसरे देश में बिकता है तो उसे हम अपने देश की जीडीपी में गिनते हैं, और यदि कोई भी सामान किसी दूसरे देश में बनता है और वो आके हमारे देश में बिक रहा हो तो उसे हम अपने देश की जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं। जीडीपी का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री साइमन क्रूसलेट ने सन 1935 से 1944 के बीच अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किया था, जिसके बाद इसका प्रयोग IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जरिए पूरे विश्व स्तर पर शुरू कर दिया गया। Y = C + I + G + (X - M), जहां Y नेशनल इनकम जीडीपी, C कंज्यूमर स्पेंडिंग, I इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X एक्सपोर्ट्स और M इंपोर्ट्स को दर्शाता है।